हेलो बच्चों, आज हम आजीविका अध्याय के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में लोगों के किन्हीं पांच आजीविका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, शहरी क्षेत्र में लोगों की पांच आजीविका निम्नलिखित है। पहला पेशेवर, दूसरा नौकरी पेशा, तीसरा अनियमित मजदूर, चौथा वाहन चालक और पांचवा कॉल सेंटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, आजीविका किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कला विधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार या कैरियर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसान कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, किसान मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला बड़े किसान। बड़े किसान वे होते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। दूसरा है मध्यवर्गीय किसान। मध्यवर्गीय किसान वे होते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। तीसरा होता है छोटे किसान। छोटे किसान वे होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, नेत्रहाट के लोगों की आजीविकाओं के बारे में लिखें। तो बच्चों इसका उत्तर है, नेत्रहाट झारखंड के लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड में एक गांव है। यहाँ राज्य की प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था नेतरहाट आवासीय विद्यालय स्थित है। यहाँ के लोगों की प्रमुख आजीविका कृषि और पशुपालन है। इसके अलावा लोगों की मुख्य आजीविका बागवानी करना, पशुपालन करना, लघु व्यवसाय आदि भी है। बागवानी में ये आम तथा नाशपाती के बगीचे लगाते हैं। पशुपालन में ये बकरी पालना, मधुमक्खी पालना आदि करते हैं। इनका प्रमुख लघु व्यवसाय जो है वो है बांस की टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा साइकिल के मरम्मत के कार्य। नेतरहाट के लोग जहाँ स्थित बॉक्साइट के खदान में भी काम करते हैं। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नौकरी भी करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट। धन्यवाद।